बंदूक का शौक रखने वाले आम तौर पर छोटी पिस्टल को माउजर कह देते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में माउजर होता कैसा है। तो देखिए, यह है दुनिया का सबसे खतरनाक पिस्तौल माउजर C-96। जर्मनी की हथियार निर्माता कंपनी माउजर ने साल 1896 से 1937 के बीच 10 लाख से ज़्यादा सेमी ऑटोमेटिक माउजर C-96 पिस्टल बनाए थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इस पिस्तौल की कॉपी स्पेन और चीन में भी बनाई गई थी। माउजर C-96 की खासियत ये है कि इसके ट्रिगर के सामने इंटीग्रल बॉक्स मैगजीन है। सटीक निशाना लगाने के लिए लंबी बैरल है। लकड़ी का शोल्डर स्टॉक है जिससे इसे शॉर्ट बैरल्ड राइफल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही इस पिस्तौल को रखने के लिए कवर का काम भी करता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने अपनी सेना के लिए बड़े पैमाने पर माउजर C-96 पिस्तौल बनवाए थे, क्योंकि इसे रखना तो आसान है ही, साथ ही मारक क्षमता भी ज़्यादा है। दिल्ली के शमसुद्दीन गन हाउस के मोहम्मद शाहिद ने इस बेजोड़ पिस्तौल की खासियत कुछ इस तरह बयान की। ये अंदर खासियत यह है, जैसे आदमी की बॉडी होती है उस तरीके से ज्वाइंट है, कोई पेच नहीं होता इसके अंदर। और ये हिटलर ने अपनी आर्मी के लिए बनवाया था। इसमें एक चार्जर होता है जिसमें 10 गोली आ जाती हैं, और इस तरीके से चार्जर में कोई 50-60 चार्जर आर्मी का जवान अपनी जेब में रख लेता था। इसका वज़न गोली का होता था, जिसके अंदर 100-200 गोली अपने साथ लेके कहीं भी पैराशूट से वो उतर जाता था। तो आइए अब हम आपको इस बेहतरीन पिस्तौल के इस्तेमाल करने का तरीका भी दिखा देते हैं। मोहम्मद शाहिद बता रहे हैं कि माउजर पिस्टल को किस तरह लोड और अनलोड किया जाता है। चार्जर है ये, इसमें 10 गोली आ जाती हैं, इस तरीके से डाले जाएंगी। एक एक करके इसमें डाले जाएंगे। ये 10 गोली आके एक चार्जर तैयार हो जाता है। इस तरीके से हिटलर अपने आर्मी मैन को ऐसे जितनी जरूरत होती थी उतने दे देता। ये चार्जर बना के देते हैं। चार्जर बना के, इसके अंदर चार्जर में कोई वजन नहीं होता, खाली गोली का वेट है, जो भी वजन है। तो अब फिर इसको कैसे इसमें डालें? इसको इस तरीके से पीछे कर हो जाता है, ये रुक जाएगा, खाली है। इसमें गोली का ये यहाँ पे इसको चार्जर को लगाएंगे इस तरीके से, और हाथ से गोलियों को पुश करते चले आएंगे। ये 10 गोली इसमें आ गई है। अच्छा, अब ये चार्जर ऊपर रह गया है। चार्जर ऊपर रह गया है। चार्जर को हम जैसे ही खींचेंगे ये गोली को लेके चला जाएगा। अब ये रेडी है फायर के लिए, ट्रिगर दबाते ही फायर हो जाए। खाली करने का ये इसका एक बटन है, यहाँ से बटन हल्का सा दबाएंगे, ये इसके मैगजीन खुल गई है, इसमें से 10 गोली ये बाहर आ जाएंगी। जो चैम्बर में गोली है इसकी स्लाइड पीछे करके वो गोली बाहर आ जाएगी। इस तरीके से ये खाली हो गया। ये पिस्टल दिखने में जितना दिलकश है उतना ही खतरनाक भी है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है। इसमें 7.63 बोर की गोली चलती है। अमेरिकी कंपनी विंचेस्टर और जर्मनी की फ्योची कंपनी इसके कारतूस बनाती हैं। इसकी मैगजीन में 10 कारतूस आते हैं। मैगजीन की क्षमता को बढ़ाकर 20 तक किया जा सकता है। माउजर पिस्टल भारत में काफी लोगों के पास है। कुछ पिस्टल ब्रिटिश काल में भारत आए थे और कुछ माउजर पिस्टल आजादी के बाद भी इम्पोर्ट होते रहे, लेकिन जब भारत में विदेशी हथियारों का इम्पोर्ट बंद हुआ तो ये पिस्टल भी आने बंद हो गए थे। अभी भी जिन लोगों के पास ये माउजर पिस्टल है, बहुत से लोग बेचते भी हैं। इसके खरीदारों की कोई कमी नहीं है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इसकी अहमियत भी समझते हैं। शौकीनों के लिए माउजर पिस्टल बेहद अनमोल है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।